कपालधारिणी नमो तारे नमो तारे श्रीरक्त तारे नमो श्रीरक्त तारे नमो डाकनी शाकनी भूत पलीता सौ सौ कोस दूर भगाया चंडी तारा फिरे ब्रह्मांडी तुम तो तीन लोक की जननी जय जय मत घर बार छाड़ा लगे ना ट्रेन भाड़ा श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का मैंने लिखा है कि इसके बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी ये कौन सा मंत्र है ये मंत्र है नील तारा का कौन है नील तारा तारा शब्द सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि बुद्धिस्ट या त्यबित का कॉपीराइट है लेकिन माँ तारा भारत में विराजती हैं दो कत, कहानी है इसको लेकर के एक तो कि माँ का जन्म हिमाचल में हुआ था वहाँ से आकर के वो तारापीठ में बैठी दूसरा कि वशिष्ठ मुनि उनको चाइना से लेकर के आए थे और उनको पहले स्थापित किया था बिहार में आज भी बांका जिला के आसपास में माँ तारा का मंदिर है कच्चा का ही है और उसी में माँ विराजती हैं और माँ ने उनसे वचन लिया था कि आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे लेकिन मुनिवर ने अपनी अर्धांगिनी को बता दिया कि मैं तारा को लेके आया हूँ उसके बाद तारा मसानी हो गई और वही मसानी स्वरूप हम माँ तारा का देखते हैं तारापीठ में ठीक है Osionfish. तो माँ तारा के विभिन्न रूप है जैसे हम लोग मानते हैं महामाया के बहुत सारे रूप है और एक ही महामाया का अलग अलग रूप को अलग अलग तरीके से पूछते हैं मतलब वही दुर्गा वही भुवनेश्वरी वही माँ काली वही लक्ष्मी वही सरस्वती वही गायत्री वही सावित्री उसी तरीके से तारा तारा का अलग अलग रूप है देखो माँ तारा तोतली है तो तोतला मैं भी हो गया तो माँ तारा का अलग अलग रूप है उसी में एक रूप है माँ का नील स्वरूप नील तारा नील तारा को ही सरस्वती माना गया है ठीक है और माँ नील तारा की साधना से ही साधक की बुद्धि जागृत होती है अभी मैं देख रहा था पिछले दो तीन वीडियोस में लोग ऐसा मुझे लिख के भेज रहे थे कि गुरुजी बहुत बड़ा मंत्र है कैसे याद करूँ इतना बड़ा मंत्र कैसे याद होगा अच्छा मैंने जब आपको वो मंत्र दिया तो मुझे तो याद हुआ ना अगर मुझे याद हुआ तो आपको भी याद होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं साधने में कोई त्रुटि हो रही है तो साधने में यही त्रुटि हो रही है कि हम लोग स्टेप वाइज अभी नहीं जाते हैं हम लोगों के गुरु ने हर तरीके से स्टेप वाइज साधना बताई थी तो उसी में शुरुआत की साधना हमारा तारा का साधना होता है तो तारा में नील जैसे जो शुरुआत में मैंने जो दो लाइन बोली वो तारा का दस महाविद्या का लाइन है ठीक है तो हमने दस महाविद्या सिद्ध करी उसके बाद नील तारा का मंत्र सिद्ध किया नील तारा का जब आप मंत्र सिद्ध करोगे तो आपकी बुद्धि तेज हो जाती है और आप मंत्रों को ग्रैप करने लगते हो देखो अभी क्या होता है कि आपको किसी ने मंत्र लिख के दे दिया या मैं आपने किसी यूट्यूब से एक वीडियो में मंत्र देखा उसके बाद तो मंत्र को पढ़ते रहते हैं देख के और फिर आ, आप जाप करते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आपने जहाँ वो मंत्र लिखा वो कागज आपका सिद्ध हो जाता है और कुछ सिद्ध नहीं होता ना आप सिद्ध होते है ना इष्ट सिद्ध होता है ना माला सिद्ध होती है ना कर आपका सिद्ध होता है इसीलिए कभी भी किसी मंत्र को सिद्ध करने से पहले मंत्र को याद कर लेना चाहिए और वो जो साधना है वो नील तारा का साधना है जिससे आप मंत्र को याद कर सकते तो ये जो नील तारा का मंत्र है ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी हैं वो अगर 108 बार नील तारा का मंत्र जपेंगे तो नील तारा बिल्कुल ही खुश होगी और उनका जो बुद्धि है वो तेज बनेगा और उसको हमेशा याद रहेगा जो भी चीज वो याद करेगा ठीक है नील तारा का मंत्र बहुत ही सिंपल है इसको आप लोग लिख लें ले तीन बार बता रहा हूं ओम ह्रीम नील ताराए क्लिम हुम फट ओम ह्रीम नील ताराए क्लिम हुम फट ओम ह्रिम नील ताराए क्लिम हुम फट नौ दिन तक इसको रात में आप ग्यारह ग्यारह माला करेंगे पहले याद कर लीजिएगा ऐसे तो मंत्र बहुत आसान है रुद्राक्ष पे या करमाला पे इसको ग्यारह ग्यारह माला कीजिएगा दसवें दिन इसका आहुति दीजिएगा दिन देख के शुरू कीजिएगा शनिवार बहुत अच्छा दिन होता है माँ के लिए तो शनिवार से शुरू कीजिए या फिर अभी जो नवरात्र आ रहा है उसमें नौ दिन में आप इसको सिद्ध करके दसवें दिन आप पूर्ण होती दे दीजिएगा उसके बाद आपको मंत्र बिल्कुल तोते की तरह याद होगा बिल्कुल ही साफ आप हमेशा धन्यवाद दोगे कि रुद्रनाथ जी ने काम का चीज़ दिया था तो नील तारा का की सिद्धि आप करिए और <coughs> मेरा जो किताब है फिर से मैं उसका प्रचार कर दे रहा हूँ कि अ हैंडबुक फॉर पैरा इन्वेस्टिगेटर ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील और जिस जिस भी आप चाहोगे पूरे विश्व में हर जगह आपको मिल जाएगा जो मुझसे बात करना चाहते हैं जिनकी कोई समस्या है या फिर कुछ साधना के विषय में मुझसे जानना चाहते हैं वो गूगल प्ले पे जा करके आ, मी फॉर ऐप डाउनलोड की करेंगे उसमें रुद्रनाथ सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आएगा आप उससे मुझसे मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो मैं फ़ोन नंबर नहीं देता हूँ ठीक है क्योंकि क्या होता है देखो मैं आज बता भी दे रहा हूँ मैं फ़ोन नंबर क्यों नहीं देता मैं फ़ोन नंबर इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि काम फ्री में होना चाहिए तो जिस साधक ने अपना समय लगा के वो साधना प्राप्त किया है उसका समय और पैसा दोनों गया है तो वो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए आप क्यों सोचते हो कि साधक को सब कुछ फ्री में मिल जाता है और वो अपना समय भी आपके लिए फ्री में दे जबकि दुनिया के हर चीज़ के लिए आप पैसे देते हो याद रखना फ्री में सिर्फ जाल बिजता है और दूसरी बात यह है, है कि नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है अगर मुझसे बात ना हो पाए तो इसमें मैसेज छोड़िएगा मैं आपसे बात कर लूँगा डायरेक्ट कॉल ना करें आप सभी को आज के लिए अलग आदेश माँ नील तारा आप लोगों की बुद्धि को बहुत ही तीव्र करें आदेश आदेश